क्लियर कर देता हूँ, मैं मेरा इंट्रो बढ़ा ही देता हूँ कि मैं चीज़ें बताता हूँ कुछ, ठीक है? तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं सीधा आते ही बोल दूंगा चलो भाई स्टार्ट करते हैं और मैं कूदने लग जाऊँगा, नहीं ये नहीं होगा। अगर आपको देखना है सिर्फ ट्यूटोरियल तो फिर मैं नीचे चैप्टर दे रहा हूँ, मैंने नई नई चीज़ें सीखी हैं, मैं सोचा अप्लाई करते हैं क्यों नहीं, तो मैंने नीचे चैप्टर दिया है, यू कैन गो अहेड एंड चेक दैट। तो बस एन्जॉय माई वीडियो। तो यार पहले तो मैंने देखा है कि है ना आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दो। कितनी बहुत घिस 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 है यहाँ पे। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, दिस इज हिमांशु, यू आर वॉचिंग आर यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डू एरियल कार्डवेल ट्यूटोरियल। आई जस्ट फॉरगेट दैट आई शुड हैव टू पुट इट बेस्ट। ओके, तो आज की वीडियो में मैं कुछ अतरंगी तरीके से बताऊंगा कि एरियल कार्टविल कैसे करनी है, जिसको हम चाइनीज भी बोलते हैं, जिसको हम नो हैंडेड कार्टविल भी बोलते हैं, जिसको विदाउट हैंडेड कार्टविल, बहुत बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे करनी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि है ना आप लोग सोचते हो कि स्ट्रगल ज़्यादा ना करना पड़े इसलिए आप कोई ईजी वे ढूंढते हो। अब जब मैं आपको ईजी वे बताऊँगा तो आप वर्क करते नहीं हो। तो ईजी वे, सबसे जो ईजी वे है ना, द मोस्ट ईजीएस्ट वे ऑफ डूइंग एनी फ्लिप इज दैट नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दो, तो मेरी नई नई वीडियो आती रहेंगी ना तो आप सब सीख जाओगे। देखा कितने प्यार से सब्सक्राइब कराता हूँ मैं, कर दो यार, भाई का चैनल है भाई का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अच्छा लेकिन एक बात और, अच्छा लो लास्ट में बताऊंगा, वीडियो में टिके रहना। फ्रेंड्स, लेजीनेस की क्या लिमिट होती है? कोई लिमिट नहीं होती। मैं ये वीडियो की रिकॉर्डिंग भी लेटे लेटे कर रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ओ हो ये तो मैं हूँ। देखो मैं अपने आप को लेजी बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी दौड़ रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट गाइज। फ्लिप्स अगर करनी है तो बॉडी गर्म करनी पड़ती है, और बॉडी गर्म करनी पड़ती है इसलिए दौड़ना पड़ेगा। 10 नहीं तो 9 नहीं तो 8 नहीं तो 7 नहीं तो 6 नहीं तो 1 राउंड तो मारो यार। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट गाइज, यू शुड नो दैट everything, oh yeah, you should know that, okay? warm up karne ke baad exercise, it is so important guys. main aapko 4-4 minute ki exercise to nahi dikhaunga but yeah thodi bahut to zarur dikhaunga guys. agar aisa kuch pehen rakha aapne, ye jo bhi hai maine pehen rakha, use utar ke yun fek do, theek hai, bhala hoga aapka. now let's just focus on some stretching and exercises, okay? इतने एक्सरसाइज करने के बाद भी कुछ बचा कुछ हो तो स्ट्रेच कर लेना, देयर इज नो प्रॉब्लम। बेसिकली एरियल के लिए आपको एक ऐसी कार्टविल चाहिए, कम से कम ऐसी तो चाहिए ना। देखो बहुत इजी है, आपको ये जो अपना पहला हाथ है ना उसको बिल्कुल अपने पैरों के सामने रखना है, और हाथ रखने के बाद में ये पैर हैं वो हाथों के सामने आने चाहिए बिल्कुल ऐसे, ठीक है? यू कैन सी हाउ आई एम पुटिंग दिस माई लेफ्ट हैंड ऑन द ग्राउंड फर्स्ट, बट जो ये जो अगला स्टेप है इसके अंदर हमें ये नहीं अपना राइट वाला हैंड पहले रखना है। लाइक आई एम गोना शो यू हाउ टू डू दैट। ये जो आपका हाथ है ये, इसको आपको फोर्स देके ग्राउंड पे रखना है, जस्ट लाइक यू। इट्स नॉट सो मच हार्ड, बस थोड़ा सा स्पीड में करोगे तो हो जाएगा बिल्कुल आराम से। ओके गाइस, लेट्स डू दिस टुगेदर। हाथ रखना है एंड पैर किक करनी है।
हाथ रखना है एंड पैर के करनी है यूं, बहुत तेज, जितना तेज हो सकता है। ओके नाउ लेट्स गो लाइक दिस। आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपकी ये लेग जैसे बैंड हुए ना मेरे, ऐसा होने नहीं चाहिए। यू शुड नो दैट आपकी नीज बैंड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे सीधी जानी चाहिए, बिकॉज इट डजेंट लुक गुड। देखो ऐसे फिर अच्छी नहीं दिखती है बिल्कुल भी। नीज को सीधा रखो और इसे जान दो और इसकी प्रैक्टिस करते रहो। एरियल करने के लिए कोई ऐसी सरफेस देखो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो वेट किसका है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसी कोई सरफेस मिलने के बाद ज़्यादा रनअप की ज़रूरत नहीं है, ऐसी जगह मिले तो बढ़िया जंप आ जाती है। ठीक है नाउ स्टार्ट है विद नॉर्मल कार्ट व्हील। अभी तो आप लोगों ने ऊपर हाथ रखा था, लेकिन अब आपको नीचे हाथ रखना है। ओके गाइस, आप जंप तो ले रहे हो अपने लेग से, लेकिन अब आपको किक भी करना है। किक करोगे तो एक बढ़िया वाला मोशन बन जाता है, जिसकी वजह से एरियल आसान हो जाती है। किक जस्ट लाइक दैट। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे आपने पहले अपना हाथ रखा था वहाँ पे अब आपको अपना लैंडिंग लेग रखना है, जितना पास हो सकता है जितना पास। और इस चीज़ की प्रैक्टिस करते करते आपकी एरियल बिल्कुल डन हो जाएगी जस्ट लाइक दिस। आपको कोशिश बार बार यही करनी है कि पैर जितना पास हो सकता है उतना पास लाने की कोशिश करो, उतनी अच्छी होगी एरियल काटी। इससे हमने फ्लिप अचीव कर लिया, लेकिन अब हमें रन अप लेके दूर से अचीव करनी है। शुरू में ऐसी होगी, बट इट्स ओके, नाउ इट्स गोना बी फाइन बिकॉज द फ्लिप इज नॉट सो फार टू लर्न ऑन दिस फ्लैट सर्विसेज। ओके गाइज नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट स्टेप। अब आपको रन अप लेना है, किक करनी है, यू नो गाइज हाथ अब आपको एरोप्लेन की तरह खोलने हैं। जंप ली, एरोप्लेन की तरह हाथ खोले। योर फ्लिप विल बी लाइक दिस बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड मेरी भी ऐसी थी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। हाथ है ना स्टार्टिंग में नेचुरली नीचे जाएंगे जैसे हम कार्टव्हील करते हैं जस्ट लाइक दैट, लेकिन आपको कुछ ऐसा अपने हाथ में ले लेना है, मतलब ऐसा ऐसा तो नहीं आप कुछ भी ऐसा ले सकते हो आपके पास जो अवेलेबल हो, कि नीचे गिर जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, बट इट्स ओके यू कैन टेक एनीथिंग। मैंने पत्ते लिए हैं, मुट्ठी बना के उनको पकड़ के रखना है और नीचे नहीं रखना, जस्ट यही करना है आपको एग्जैक्टली लाइक दिस। एंड इसकी प्रैक्टिस करते करते आपको बिल्कुल अच्छे से एरियल कार्ट भी ला जाएगी, जिसको सीखने के बाद आप पक्का इस चैनल पे आओगे। और अगर आपने कर ली हो आज की आज ही, तो फिर जल्दी से वापस पहन लो जो जो उतारा था, स्वेटर हो टी शर्ट हो टोपी हो सब पहन लो, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड लग जाएगी। प्रैक्टिस अपनी जगह ठीक है, ठंड नहीं लगनी चाहिए किसी को भी, तो बस पहन के निकल लो, हो जाओ दफ़ा। एरियल कार्टव्हील का ट्यूटोरियल तो आज मंडे को मैं भेज दूंगा, मतलब पोस्ट कर दूंगा, है ना। तो फिर गाइज मंडे वेनसडे और सैटरडे को मेरी वीडियो आएगी। अगला ट्यूटोरियल मैं अभी बता देता हूँ, फ्रंट फ्लिप का दे रहा हूँ मैं वेनसडे को, राइट मे बी। हाँ अच्छा, अब जो लास्ट बात मुझे बतानी थी जो मैंने आपको पहले बोला था याद है, लास्ट में बताऊँगा। हाँ तो ये बात थी, मैं एक व्लॉग पोस्ट करने वाला था, तो आज सुबह 10 बजे पोस्ट करने वाला था, 11 मिनट का था। मैं सोचा शायद हो जाए, 1000-1 व्यूज आ जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन घर वालों ने जब देखा तो मना कर दिया कि ये पोस्ट नहीं करना, बिकॉज उसमें मैंने एक आदमी को बुढ़ा बोल दिया जो सही नहीं था एक्चुअली, और मुझे बोलना भी नहीं चाहिए था, बट यार निकल जाता है, व्लॉग था, दोस्तों के साथ था, निकल गया बुढ़ा ऐसे, बट आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो बस यही था आज के लिए, और वो मैं पोस्ट नहीं कर पाया, मैं बता रहा हूँ व्लॉग क्यों नहीं पोस्ट कर पाया। तो बस यही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना